हमारे देश में बच्चे और माँ का रिलेशन जो होता है वो इतना अटूट होता है, इतना अटूट होता है, बीबी को पागल तक डिक्लेयर कर देता है। ये तो एक शी कैन इवन फाइट अ कंट्री, शी कैन फाइट अ सिस्टम, शी कैन फाइट अ गवर्नमेंट फॉर हर किड्स। फिल्म बहुत बढ़िया है। जो हमारा देश है वो अगर उसकी बात करें तो पहले भी मदर इंडिया, ममता, अभी बहुत रिसेंटली हमने काजोल को देखा सलाम वैंकी में, तो ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मदर हमारे देश में होती हैं। और हमारे देश में बच्चे और माँ का रिलेशन जो होता है वो इतना अटूट होता है, इतना अटूट होता है कि उसे देश क्या विदेश किसी का भी कोई भी तार उसे तोड़ नहीं सकता। उस पर हम तो ऐसे हैं, रियल की घटनाएं हुई हैं कि शेर के जबड़े से अपने बच्चे को माँ उठा के ले आई, तो फिर ये क्या चीज़ थी, ये तो बच्चे थे और एक देश से छीन कर लाने थे। तो मुझे ये लगता है कि ये फिल्म जो ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है इसको सबको देखना चाहिए। कई लोगों ने ये भी कहा कि रानी का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा लाउड है, लेकिन जिस माँ के बच्चे छीन लिए जाए वो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि रानी से भी ज़्यादा लाउड होना चाहिए था कैरेक्टर। रानी ने अपना वो जो हीरोइन वाला जो नायिका वाला चेहरा था, मुखौटा था, वो उतार फेंका था। इसमें उन्होंने बहुत कम मेकअप किया है और बिल्कुल नेचुरल एक जो माँ होती है उस तरह की दिखी हैं। उनमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम सामने किसी हीरोइन को देख रहे हैं। बस वो एक दो जो शादी के समय के सीन्स छोड़ दिए जाए तो बाकी सारी जगह वो माँ ज़्यादा नज़र आई, एक हीरोइन कम नज़र आई। ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है। एक्टिंग में तो वैसे भी वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये फिल्म उनके कारण याद की जाएगी और रानी याद करेंगी अपनी एक्टिंग को लेके इस फिल्म को। तो जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है, म्यूज़िक इसका बहुत दमदार था, बहुत अच्छे गाने थे और एंड वाला गाना तो एकदम दिल को छू जाता है। हालांकि वो पीयू बोले जो विद्या बालन की फिल्म थी परिणीता, उसके थोड़ा सा इंस्पायर्ड लग रहा था, लेकिन वो जो बंगाली म्यूज़िक में जो गुथे हुए गाने थे वो बहुत खूबसूरत थे। और दूसरी बात है कि फिल्म भी बहुत खूबसूरत थी। वहाँ एक तो सिनेमेटोग्राफी फिल्म की बहुत अच्छी, थोड़ा सा स्लो थी फिल्म और एडिट किया जा सकता था कुछ कुछ पार्ट, लेकिन वो सारी तमाम चीज़ें धुल पुछ जाती हैं जब रानी मुखर्जी एक माँ के रूप में फिल्म में आती है और छा जाती है। तो मैं तो बोलूँगी मुझे ये लगता है कि हर माँ को, सिर्फ माँ को नहीं पूरे परिवार को और लोगों को देखना चाहिए कि एक माँ किस हद तक जा सकती है, एक भारतीय माँ। तो मुझे ये लगता है कि ये फिल्म इंस्पायर करेगी और लोगों को बताएगी कि अगर हम इंडिया में रहते हुए भी बाहर के मुल्कों में अगर हमारे साथ बदसलूकी जो इन सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। सिर्फ यही मुद्दा नहीं, बहुत जगह हमारे मंदिरों में धावा बोला जा रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह में भी झुटपुट चीज़ें होती रहती हैं। तो हमें इन सब से फ़ाइट करना चाहिए और इस तरह से जो हीरो बन के उभरते हैं उन गुमनाम हमारे जो हीरो हैं और हीरोइंस हैं उनको आगे लाना चाहिए। फाइनल सवाल, 5 में से कितने मिलेंगे? देखिए, एक माँ की लड़ाई है, इसमें मेरी औकात नहीं है कि किसी माँ को मैं कैटेगराइज करूं, लेकिन थोड़ा सा एडिट होनी चाहिए थी, कुछ कुछ लूप होल्स रह गए थे, तो मैं इसको 4 दूंगी 5 में। स्टारिंग रानी मुखर्जी, कैसे लगी सर? जबरदस्त, रानी की एक्टिंग जबरदस्त, डे बाय डे उनका इम्प्रूवमेंट। खैर वो तो शुरू से इम्प्रूव्ड आर्टिस्ट हैं, बढ़ता जा रहा है, अच्छी एक्टिंग करी है। बच्चों के प्रति जो ममता उन्होंने दर्शाई है उसके लिए कहाँ तक लड़ी, सिस्टम से लड़ी, नॉर्वे में गवर्नमेंट से लड़ी, नॉर्वे की अथॉरिटी से लड़ी, हिंदुस्तान में अथॉरिटी से कोर्ट में चैलेंज किया, जबरदस्त। कोर्ट के सीन बड़े जबरदस्त हैं, तर्क वितर्क जबरदस्त हैं दोनों की तरफ से, बढ़िया पिक्चर है ये। बाकी ये जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है साथ में उनका काम कैसा नहीं, सबका काम नहीं 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 सबने अपना रोल वो जस्टिफाई किया है, अच्छी एक्टिंग करी है। और सबसे बड़ी एक सब इसमें संदेश है कि एक इंसान बाहर जाता है शादी करके बीबी को ले आता है, बच्चे वहाँ पैदा होते हैं, उसके बाद फिर वो सिटीजनशिप लेने के लिए
वो इस हद तक चला जाता है कि बच्चों के प्रति उसकी ममता नहीं होती है, वो बच्चों को भी मतलब वो मतलब उनके साथ मतलब उनको सेक्रीफाइस करने तैयार हो जाता है, बीबी को पागल तक डिक्लेयर कर देता है। ये तो एक सेल्फिशनेस की एक वो है, एक लिमिट है ये, मतलब परा होता ना, पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं, वो है ये। पब्लिक को किस तरह अपील कर पाएगी पब्लिक? देखिए ऐसा है कि ये आम एंटरटेनमेंट फिल्म तो है नहीं, ये इसमें संदेश है, ये है कि अगर कोई भी अगर इसको बैठ के देखेगा मतलब उठेगा नहीं बीच में, मतलब सब पकड़ के लगती है, एक एक सीन जो है पकड़ के रखता है ये। और हम तो चाहेंगे पब्लिक आए सिनेमा हॉल में देखे ये, और जो संदेश है देना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से, जो डायरेक्टर अपना संदेश देना चाहता है तो उसको फॉलो करे समझे। पांच में से कितने मिलेंगे? चार दे देंगे इसे, बिल्कुल बिल्कुल। रानी मुखर्जी बड़े टाइम बाद बड़े पर्दे पे, ये पिक्चर कैसी लगी? पिक्चर अच्छी है, रानी मुखर्जी का काम भी अच्छा है कैरेक्टर के हिसाब से, और ये ट्रू स्टोरी है तो अच्छा लगा मुझे। दूसरी चीज़ ये है कि एक इंडियन का जो कल्चर होता है, इंडियन कल्चर होता है वो अलग होता है, उसको हर ज़रूरी नहीं कि हर देश में समझा जाए, तो उसको इस फिल्म में यही चीज़ दिखाया गया, उन लोग नेगेटिव वे में ले लेते हैं, जो माँ और बच्चों के माँ का बच्चों के प्रति जो प्यार होता है, जो केयर होती है, तो उन लोग नेगेटिव वे में लेते हैं, उनको लगता है कि माँ बच्चों का केयर नहीं कर पा रही है, तो उनको अपनी कस्टडी में उन लोग ले लेते हैं, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, देन वो सॉल्व भी होती है। तो ये फिल्म एक अच्छी है, जो लोग यहाँ इंडिया से बाहर चले जाते हैं उनको लगता है कि ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो वो शायद ये भूल जाते हैं कि इंडियन कल्चर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता ज़्यादातर बाहर की कंट्री में, ये चीज़ भी है वहाँ पे, काफ़ी मैसेज हैं इसमें देखने लायक समझने लायक, बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को जो समझ सकता है उसको अलग अलग तरीके से जो समझते हैं वो समझ लेंगे इस चीज़ को। बाकी फिल्म अच्छी है, अच्छी है। रानी का काम कैसे लगा? काफ़ी इमोशनल मदर, जो एज ए मदर, हाँ खुद भी एक माँ है, तो उनका जो एक इमोशनल अटैचमेंट दिखाया बच्चों के साथ कैरेक्टर के हिसाब से वो काफ़ी अच्छा लगा। फाइनली पांच में से कितने मिलेंगे मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे? और पब्लिक क्यों आनी चाहिए थिएटर में ये फिल्म देखने? पब्लिक आना चाहिए क्योंकि इंडियन कल्चर को भी फॉलो किया गया है यहाँ पे, और दूसरी चीज़ एक माँ का बच्चों के प्रति जो प्यार है इंडियन कल्चर के हिसाब से वो भी दिखाया गया है, तो ये जरूर देखने के लिए आना चाहिए, और मैं 3 स्टार देना चाहूँगा। 3 स्टार देंगे जी। ओके, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे स्टारिंग रानी मुखर्जी, आपने देखी है कैसे लगी? बहुत इमोशनल, मैंने अलग बगल बगल में देखा, लड़के भी रो रहे थे सभी रो रहे थे, और काफ़ी इमोशनल फिल्म थी, और सबसे मेन चीज़ इस पिक्चर की सबसे बड़ी खासियत थी कि एक माँ देश से नहीं विदेश में भी लड़ सकती है अगर उसके बच्चे की बात आए तो। तो रानी मुखर्जी ने इसमें एक डायलॉग बोला है कि माँ मैं अच्छी हूँ या बुरी नहीं पता, लेकिन मैं माँ हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है, और एक माँ ही ये कर सकती है कि सबको हिला के रख सकती है अगर उसके बच्चे की बात है, यही फिल्म में दिखाया है, और रानी मुखर्जी ने पूरे अच्छे से उसको मतलब पेश किया है, एक्टिंग बहुत अच्छी की है उसने। रानी मुखर्जी हाँ, सालों से देखते हुए आ रहे हैं राइट, मतलब एक्ट्रेस वही मतलब है ना, एक बोलते हैं ना जैसे कार चलाना सीखें तो कभी भी ड्राइविंग नहीं भूलते, वैसे ही है, एक्टिंग कभी भूली नहीं जा सकती, भले वो 4 साल के बाद आए 10 साल के बाद आए, लेकिन वो एक मंझी हुई एक्ट्रेस हैं, और ये तो उन्होंने साबित किया है पहले भी, और इस फिल्म में और अच्छे से साबित कर दिया। मैं एक्टिंग तो मतलब जब वो बच्चे को ले जाते हैं और जो उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए हैं दुखी होने के, तो वो एक एक्ट्रेस ही दे सकती है, और क्योंकि वो एक माँ है इसलिए उन्होंने इस किरदार को और अच्छे से निभा दिया। तो ओवर एंड ऑल ये फिल्म पूरी तरह से रानी मुखर्जी की है, और सबसे मेन तो मैं वो लेडी को कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगी जिसके ऊपर ये कहानी बनी है, कि उसने इतनी डेयरिंग करके अपने बच्चों को वापस लेकर आई। बहुत मुश्किल था नॉर्वे में लड़ना, इंडिया में लड़ना, मतलब वो भी जब तब जबकि घर वाले भी अगेंस्ट हों, पागल साबित कर दें, तो मतलब ओवर एंड ऑल एक लेडीज़ के लिए मेरे को तो ऐसा लग रहा था मिलेगा ही नहीं उसको लास्ट तक, लेकिन लगा फिर बाद में कि माँ कुछ भी कर सकती है, और रियल स्टोरी है इसलिए मुझे और अच्छी लगी। देते-देते भी आप थोड़े से इमोशनल हो गए नहीं नहीं हाँ, क्योंकि मतलब है इमोशनल फिल्म, जो माँ है ना वो ज़रूर ये फिल्म देखे, उनको पता चलेगा कि रियल स्टोरी क्या होती है माँ के ऊपर,
अच्छी बनाई है फिल्म, बहुत अच्छी बनाई है। 5 में से कितने मिलेंगे आपको? मैं तो 3.5 दूंगी, क्योंकि थोड़ी पिक्चर स्लो है और मतलब थोड़े माइनस पॉइंट है, लेकिन रानी मुखर्जी ने और ये फिल्म की कहानी ने सबको कवर कर लिया है, इस हिसाब से मैं 3.5 दूंगी। फिल्म बहुत ही अच्छी है, डायरेक्शन वाइज अच्छी है, एक्टिंग वाइज अच्छी है, कैमरा वाइज अच्छी है, म्यूजिक वाइज अच्छी है, हर चीज़ में अच्छी है। और फिल्म का जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इमोशन है, मदर्स लव फॉर हर किड्स, आई थिंक इससे बेटर कोई फिल्म नहीं बन सकती टू शोकेस दैट, कि एक मदर अपने बच्चों के लिए कहाँ तक जा सकती है। शी कैन इवन फाइट अ कंट्री, शी कैन फाइट अ सिस्टम, शी कैन फाइट अ गवर्नमेंट फॉर हर किड्स। मदर्स लव जो इमोशन है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। आई थिंक फिल्म में ये बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। आई हैव लव्ड रानी, आई थिंक वो पिछले 10 साल में उनकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज है, बिकॉज यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। देखा जाए मर्दानी में शी वॉज प्लेइंग अ कॉप, तो अलग तरीके का उनको स्ट्रेंथ था। यहाँ पे एज अ मदर, हाउ स्ट्रॉन्ग अ वुमेन कैन बी फॉर हर किड्स, अपने बच्चों के लिए, तो वो जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, इट हैज़ कम आउट रियली वेल। एंड रानी हैज़ प्लेड विद द इमोशंस सो वेल, जहाँ पे उनको एग्रेशन दिखाना है, जहाँ उन्हें लव दिखाना है, जहाँ उन्हें सटल होना है, जहाँ उन्हें रोना है, आई थिंक शी इज़ डन अ सुपर वर्क। एंड स्पेशली विद हर आईज, आँखों से जो खेला है उन्होंने एक्टिंग में, द एक्सप्रेसिव आई शी हैज एंड द वे शी इज डन इट इज फैबुलस। Yes. Wonderful film. Fantastic. A must watch. I think every Indian should watch it. आप मदर हैं, फादर हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, कोई भी है, बिकॉज दिस इज द इमोशन ऑफ आर इंडिया, कि हम अब फैमिलीज को बहुत क्लोज रखते हैं। सो आई थिंक एवरी इंडियन शुड वॉच इट।